दोस्तों, मेडिको केयर के एक नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम आर्बिटोन सिरप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको खून की कमी है, जिनको एनीमिया है, छोटे बच्चों के लिए आमतौर से उनके लिए भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें भी खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है और वो मिट्टी खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी खाते हैं। तो उनमें अगर हम इस सिरप का इस्तेमाल कराते हैं तो उनका मिट्टी खाना भी बंद हो जाएगा और उनका वज़न भी बढ़ेगा, उनका खून भी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बड़े लोगों में इस सिरप का इस्तेमाल कराते हैं, आर्बिटोन किट भी आता है, किट का नहीं, छोटे बच्चों का सिरप अलग से आता है, उसमें वो बहुत छोटे बच्चों में चलता है, लेकिन ये सिरप अगर आप चाहें तो 2 साल से 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों में भी चलाया जा सकता है और बड़े लोगों में भी चलाया जा सकता है। उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के लास्ट तक, इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए इसका कंपोजिशन देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका डोज हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो एक बार हम इस पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। आप देखिए, आर्बिटोन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 और कैल्शियम लैक्टेट, इसमें कैल्शियम भी है। अब देखिए, इसमें अटॉनिक फॉर रेड ब्लड कॉर्पोसेल, यानी कि जो भी हमारे रेड ब्लड कॉर्पोसेल हैं जो खून बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उसका, उसके लिए टॉनिक है। इंडिकेशन में देखिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रेगनेंसी एनीमिया, जनरल वीकनेस, इसी तरीके से चाइल्डहुड एनीमिया ड्यू टू वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर किसी को है, किसी खून की कमी है प्रेगनेंसी में, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब औरतों को पेट में बच्चा होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जनरल वीकनेस, यानी कि अगर किसी को कमजोरी है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसको खून की कमी है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइल्डहुड एनीमिया, यानी कि बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बच्चों के पेट में कीड़े होने की वजह से उनको एनीमिया, खून की कमी होगी तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि इसका एक्सपायरी देखें तो नवंबर 2021 है, 153 रुपये इसकी MRP है, आपको मार्केट में 140, 145, 135, 150 जो भी चाहे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर लिखने के बाद जो भी चाहे वो ले सकता है। अगर आप इसमें कंपोजिशन देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर थेरापेटिक यूज 10 ml में इसके ईच 10 ml कंटेन फेरस ग्लूकोनेट 259 mg इक्विलेंट टू एलिमेंटल आयरन, यानी कि 30 mg, यानी कि 10 ml में 30 mg आपको एलिमेंटल आयरन इसके मिलेगा। फोलिक एसिड 0.5 mg, कैल्शियम लैक्टेट 150 mg, इसी तरीके से विटामिन बी12 आपको 2.5 μg मिलेगा इस सिरप को लेने से, यानी कि 10 ml अगर आप देते हैं तो 30 mg इसमें मिलेगा। तो अगर किसी का वज़न 30 किलो है, 30 किलो का वज़न आमतौर से 10 साल 12 साल के बच्चा हो सकता है, इसी तरीके से अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसका वज़न ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आप ये समझिए सीधे सीधे कि 1 mg/kg के हिसाब से इसको देना होता है। 60 किलो अगर किसी का वज़न 60 किलो है तो उसको हम 10 ml के बजाय 20 ml सिरप का इस्तेमाल कराएंगे दिन में एक बार, या फिर 10-10 ml सुबह शाम उसको इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि 10 ml देने पे हमको 30 mg एलिमेंटल आयरन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सही डोज होता है। अभी हम इस पे डोज लिखा हुआ अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसमें हम देख लीजिए, कंपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया, डोसेज यहाँ भी लिखा हुआ है, डोज यहाँ भी लिखा हुआ है, कैसे देना है उस यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम इससे डोज देख लेते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बारीक है वो आपको हो सकता है समझ में ना आए। यहाँ पर हम डोज देख लेते हैं कि जो एडल्ट हैं, यानी कि जो बड़े हैं, एडल्ट का मतलब जो आमतौर से 12-13 साल से ऊपर है, 10 ml, यानी कि 2 teaspoon, 10 ml टू ट्वाइस अ डे आर एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। मैंने पहले बताया कि 10 ml दिन में 2 बार, क्योंकि मैंने बताया है कि ये आमतौर से 1 mg/kg के हिसाब से चलता है, 10 ml देंगे तो 30 mg एलिमेंटल आयरन मिलेगा, 10 ml शाम में दे देंगे तो 30 mg फिर मिल जाएगा, इस तरीके से 60 mg हो जाएगा जो आमतौर से एडल्ट का वजन होता है। अगर हम चिल्ड्रेन की बात करें, बच्चों की बात करें, तो अगर अबव 1 ईयर यानी 1 साल से ऊपर है तो उसको हम 5 ml ट्वाइस अ डे आर एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कि 1 साल से ऊपर बच्चे में हम 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, या जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, यानी कि हो सकता है कि डॉक्टर बच्चे की कंडीशन को देखते हुए या आपकी कंडीशन को देखते हुए इसके डोज को थोड़ा सा बढ़ा दें या घटा दें, वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उससे मशवरा कर लें, उसके बाद ही दवा का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। लेकिन आपके डॉक्टर जो सिरप आपको कहते हैं, जो दवा आपको बताते हैं, वो आप इस्तेमाल करें और सही डोज में इस्तेमाल करें। दवा का इस्तेमाल हमेशा सही डोज में करें, गलत डोज में या कम डोज में या ज़्यादा डोज में इस्तेमाल ना करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करते रहें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।